री hey गुड hey तो बहुत दिनों के बाद हम हमारी फेवरेट वीडियो देखने जा रहे हैं की वीडियो हम अभी देखने जा रहे हैं उनका एक वीडियो है आर्मी डे न्यू यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी तो देखते हैं इस वीडियो में उन्होंने हमारे साथ क्या शेयर किया है क्या नॉलेजेबल है इसके अंदर क्या हमें सीखने को मिल रहा है तो जरूर हम देखेंगे और देखने के बाद आप अपना रिव्यू भी बताना कि आपको कैसा लगा लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सबको जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं मैं उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरी वीडियोस आप तक तो पहुंच जाए और आप इस तरीके की नए नए वीडियोस जल्दी से देख पाए यस मैं ज्यादा इंट्रो नहीं दूंगी क्योंकि पर्सनली मुझे इतना बोलना अच्छा नहीं लगता सो सीधे हम वीडियो की तरफ चलेंगे सो गाइस लेट स्टार्ट दीडियो वन टू थ्री जय हिंद थल दिवस आज 15 जनवरी को है इस पे भारतीय नौसेना से, नौ और वायु थल सेना की भी ड्रेस को बदले गए हैं और भारत के ब्रह्मोस को पहला विदेश में भेजा गया है ईएमआई पे कर्जा पे बेच दिए और एनटीपीसी ने किस तरह से बेहतरीन ढंग से लड़कों को बर्बाद किया है इस सब को हम लोग समझते हैं देखिए भारत के पहले थल सेना जो प्रमुख थे के एम करियप्पा साहब बहुत बेहतरीन सेनापति थे तो इन, इनका जो नियुक्ति हुई थी वो पंद्रह जनवरी उन्नीस को भारत के पहले सेनाध्यक्ष मिले थे के एम करिय पहले सीरियस भी थे इन्हीं के याद में भारत जो है वो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाता है जो आज के दिन है इस दिन क्या किया गया भारतीय सेना का जो कॉम्बैक ड्रेस है लड़ाई लड़ने वाले ड्रेस है इसको चेंज किया गया ये काफी पुराना मॉडल है देखने में हमारी इसके साथ भावनाएं भी जुड़ी है लेकिन ये लड़ाई के दौरान छुपे दूसरे छुपते थे सैनिक तो आराम से पता चल जाता था तो सेना में एक क्वालिटी होता है कैमोफ्लाज कैमोफ्लाइज मतलब होता है कि आप छुप सकते हैं वातावरण के हिसाब से छुप जाना वो कैमोफ्लाज कहलाता तो ये कैमोफ्लाज में अच्छा सेट नहीं होता था इसलिए भारतीय सेना की ड्रेस को चेंज किया गया ये झाड़ियों में पत्थरों पे रेगिस्तानों में कहीं भी अच्छे से सेटल हो सकता है इसे डिजिटली हम लोग नया डिजाइन किया है इसे डिजाइन करने का काम जो किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई इसने बनाया ये काफ़ी सोच समझ के इस ड्रेस को बनाया गया ये ड्रेस काफ़ी हल्का है गर्मी के दिन में इससे ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी पसीना को वगैरह ज़्यादा नहीं होगा ठंडी के दिन में ना ही इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा यानी दोनों में इको फ्रेंडली हो जाएगा क्लाइमेट फ्रेंडली होगा इस इसमें डिजिटल पैटर्नस को बनाए गए हैं ताकि हर तरह जगहों में ये छुप जाए पंद्रह तरह के अलग अलग क्वालिटी के कपड़ों में से मर्ज करके इसे बनाया गया है अलग अलग कैटेगरी के ना ये ना ये सूती है ना नाइलॉन है ना कुछ है एकदम स्पेशल कैटेगरी के पंद्रह अलग अलग टाइप के हैं आठ अलग अलग, 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 अलग डिजाइन थे जिसमें इसको फाइनलाइज किया गया इसमें अलग अलग टाइप के चार पैटर्न है चार अलग, अलग अलग पैटर्न को मिला के इसे फाइनली बनाया गया है जो इस बार शोकेस किया गया था हमारे परेड पर जो थल सेना का छब्बीस जनवरी का परेड तो अभी बाकी है पर थल सेना दिवस पे जो परेड होता है उसमें इसे शामिल किया गया तो वो इस टाइप का दिखेगा यहाँ पर तो ये काफ़ी ज़्यादा देखिए दिखने में आपको अलग टाइप का लग सकता है क्योंकि हमें ये इस टाइप की ड्रेस देखने की आदत नहीं है लेकिन दुनिया के अन्य देशों के कंपेयर करके ही इसे बनाया गया ये मॉडर्न आज के इक्कीसवीं सदी के लिए ये एकदम परफेक्ट है इसमें कई सारे चेंजिंग है पहले के ये जो ड्रेस थे ये रेगिस्तान में छुपेंगे तो स्पष्ट दिख जाएंगे दूसरा इसमें इन करना होता था शर्ट को और तीन बटन ही आपके दिख सकते हैं तीन से ज़्यादा बटन नहीं दिख सकते आप क्या एनसीसी किए होंगे या फिर सेना में होंगे तो तीन बटन ही ऊपर के दिखते थे अब जो आएगा उसमें इन करने की झंझट नहीं रहेगी इससे क्या है कि सेना वालों को काफी रिलीफ मिलेगा कहीं पहाड़ वगैरह पे चढ़ने में काफी आसानी होगी बेल्ट लगाएंगे बेल्ट अंदर रहेगा आर्मी की बेल्ट बहुत जबरदस्त होती है बट इन करने का अब झमेला नहीं रहेगा दूसरा ये कैमोफ्लाज कैमोफ्लाज मतलब अगल बगल के जगह के हिसाब से हमारा ड्रेस दिखता है या नहीं तो कैमोफ्लाज के हिसाब से ये बहुत बेस्ट है जैसे यहाँ देखिए ये सैनिक पहाड़ के अंदर से यहाँ पर यूएस आर्मी का ये ड्रेस है तो इसमें अगर हम लोग ये वाला ड्रेस पहन के अगर गए रहते हैं तो कैमोफ्लाज अच्छे से नहीं हो पाता और देखेंगे पहाड़ी या रेगिस्तानी एरिया में ये वातावरण के हिसाब से ये बेहतरीन ढंग से कैमोफ्लाज कर गया लेकिन अगर ये वाला ड्रेस यहाँ पे अगर फिट किया जाएगा तो देखिए इजीली ये डिटेक्ट हो जाएगा इसलिए कैमोफ्लाज अच्छा हो सके इसलिए आर्मी ने भी अपने ड्रेस को चेंज किया हालांकि नेवी पिछले साल ही अपने ड्रेस को चेंज की थी आप देखिए आर्मी का ये कॉम्बैक्ट ड्रेस है जबकि नेवी का कॉम्पैक्ट ड्रेस पिछले साल ही चेंज हो गया था नेवी के ड्रेस में देखिएगा ब्लू वाला हिस्सा ज्यादा है इससे क्या होगा कि अगर ये समुद्र वगैरह के एरिया में कहीं जाते हैं तो समझ में नहीं आएगा दुश्मनों को समुद्र है या वहां पे कोई कचड़ा वगैरह या पेड़ पौधा गिरा हुआ है इससे छुपने में काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी नेवी को नेवी पिछले साल ही अपने ड्रेस ड्रेस को को चेंज चेंज कर चुकी है एयरफोर्स के ड्रेस को तो चेंज करने की जरूरत नहीं वो लोग तो फाइटर प्लेन के अंदर रहते वो जी सूट पहने रहते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने लगभग पचास हजार करोड़ के डील को कैंसिल कर दिया जो विदेश से आने थे उनको अब स्वदेशी तौर पे अपनाया जाएगा जिसमें सबसे पहला झटका अमेरिकी कंपनी को लगा है जिसका नाम है बोइंग सेवन का बोइंग कंपनी का पी एट आई पोसाइडन जहाज अमेरिका बहुत ज़्यादा काटसा एम के तहत भारत को कह रहा था कि एस चार सौ मत लो कमाओ हेलीकॉप्टर मत लो तो भारत सरकार ने भी ना माने कर दिए जो ससुर हम तोड़े नहीं लेंगे यहाँ पर हालांकि दुनिया का सबसे बेहतरीन सबमरीन हंटर माना जाता है पी को ये हवा में उड़ते ही क्या करता है समुद्र में कहीं भी अंदर पंडुबियाँ रहती हैं तो उसे ये मार सकता है तो इसे चेंज किया एक्चुअली ये बहुत महंगा है केवल छेठो का प्राइस तेरह हजार करोड़ है तो भारत सरकार ने कहा कि भैया ये सारी चीज़ें इंडिया में ही बननी चाहिए क्योंकि आपको पिछले वीडियो में एक बार बताए थे सी टू नाइन फाइव हम लोग जो हॉक खरीद रहे हैं उसमें ही सब चीज़ों को हम लोग फिट कर सकते हैं तो जो हम लोग तेरह हजार करोड़ कर रहे हैं वो हम लोग अगर इंडिया में बनाएंगे तो यही चीज़ की चीज़ें सेम टू सेम चीज़ें हम लोग को सात से आठ हज़ार करोड़ में बन जाएगी दूसरा एक और चीज़ प्लान कैंसिल किया हो गया हम लोग का कामा हेलीकॉप्टर हालांकि ये बहुत बेहतरीन हेलीकॉप्टर है ये भी सबमरीन हंटर है इसके नीचे जो लगा होता है ये लगा होता है रडार ये नीचे से सबमरीन को पकड़कर डिटेक्ट कर लेता है सबमरीन कहां पर छुपी हुई है लेकिन इसमें दिक्कत क्या था काटसा एक्ट के तहत इसका इंजन सेफरॉन इंजन फ्रांस बना रहा था तो अमेरिका ने फ्रांस को कह दिया कि तुम रूस को इंजन मत दो तो रूस ने कहा कि हम दूसरा इंजन भारत भारत को देंगे। भारत ने कहा सबसे दूसरा इंजन बनाएगा वो कैसा होगा कैसा नहीं प्लान ही कैंसिल कर देते हालांकि भारत को ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि कमो हेलीकॉप्टर काफी सस्ते थे ये लगभग छह हजार करोड़ में हमको डेढ़ हेलीकॉप्टर मिल रहे थे बहुत बहुत ही बहुत सस्ता था इससे सस्ता हेलीकॉप्टर नहीं था तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरत था हालांकि हम लोग चाहते तो फ्रांस से इंजन डायरेक्ट खरी खरीद लेते बॉडी खरीद लेते रूस से कहते कि भैया हम रूस से खरीदेगा काम तो बस असेंबल कर रहे हैं यहाँ पर और फ्रांस दे भी देता फ्रांस के साथ बहुत ज़्यादा मतलब अमेरिका की दोस्ती नहीं चल रही ऑस्ट्रेलिया के मैटर को लेकर फ्रांस और अमेरिका में अभी दुश्मनी चल रही है हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास पी एट पहले से मौजूद है तो पी एट काफ़ी दूर तक जा सकता है तो हम लोग क्या करते अगर ये हेलीकॉप्टर रहता तो पास के एरिया में हम अपने हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय कर देते कोई भी पंडुबी भी नहीं आ पाती अब रही बात दूर के एरिया में तो दूर के एरिया में हम लोग ये पी एट आई विमान को तैनात कर देते यहाँ पर पी एट आई जो है पी एट आई ये सबमरीन हंटर है यहाँ पर तो आपको क्या लगता है हम लोग को ये ले लेना चाहिए हालांकि भारत सरकार अभी इस पर विचार कर रही है मेक इन इंडिया के तहत तो इसे तो दूसरा ऑल ट्रेन कॉम्बेक्ट व्हीकल ऑल ट्रेन का मतलब था कैसे भी जगह उबड़ खाबड़ पानी कीचड़ कहीं भी जाने वाला कॉम्बेक्ट जहा जो गाड़ियां होती हैं इसे भी भारत खरीद रहा था लेकिन अभी भारत सरकार ने मना कर दिया कहा कि हम इसे अब मेक इन इंडिया के तहत तो इंडिया में ही बनाना होगा हम बाहर से इसे नहीं खरीदेंगे इसमें सबसे अच्छा पहल टाटा ने किया है टाटा इस तरह के कॉम्बैक्ट व्हीकल बना के देने के लिए तैयार है और टाटा का लोहा ट्रक देखिए ना टाटा का कितना मजबूत होते हैं सब तो इसके लिए टाटा को सल्यूट उसने बहुत बेहतरीन काम किया यहाँ पर दूसरा क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल सैम का मतलब होता है सर्फेस टू एयर मिसाइल जहाज को मार के गिराने वाले को सैम कहते हैं लॉन्ग रेंज रहेगा तो एल आर रहेगा मीडियम रेंज रहेगा तो एम आर रहेगा बस लॉन्ग रेंज है तो एल रखिए सैम सब में रहेगा सर्फेस टू एम आर मीडियम रेंज है तो एम आर हो जाएगा शॉर्ट रेंज है तो शॉर्ट रेंज हो जाएगा एकदम फटाक से हमला करने वाला था क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल तो ये भी विदेश से खरीदा जा रहा था इसमें सबसे आगे था इस दौड़ में इसराइल लेकिन भारत ने कहा कि नहीं इसे हम स्वदेशी तौर पर ही विकसित करेंगे अच्छी बात है ताकि हम लोग स्वदेशी तौर पर विकसित करेंगे तभी जाके हम लोग आगे जाके एडवांस कर पाएंगे इसमें सबसे बड़ी कामयाबी मिली है ब्रह्मोस की ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल है इसको हम लोगों ने पहली बार विदेश में बेचना चालू कर दिया और वो भी जिस देश को बेच रहे हैं उसे हम लोग ने कर्जा पे दे दिया है कि भैया किस्तों में पैसा देना तो ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज जो है अभी हमारे पास दो किलोमीटर का रेंज है लेकिन भारत एम का सदस्य हो गया है जो भी देश एम का सदस्य नहीं है मैग्ने सॉरी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम जो इसके सदस्य हैं वही तीन सौ किलोमीटर से ज्यादा क्षमता की मिसाइलों को बना सकते हैं और बेच सकते हैं तो भारत अब तो इसका सदस्य बन चुका है लेकिन जब ब्रह्मोस बनाया जा रहा था तो उसका सदस्य नहीं था तो हम लोग इस ब्रह्मोस मिसाइल को बेच रहे हैं तो ये क्या चीज है भैया इसकी स्पीड तीन मैक है मेक का मतलब होता है ध्वनि से कितना गुना ज्यादा है दो मेक का मतलब ध्वनि से दो गुना ज्यादा है अब सब लोग को साउंड का वे पत, स्पीड पता होना चाहिए तीन सौ तीस मीटर पर सेकेंड हम लोग इसको नापते हैं हालांकि इसकी चाल की खोज लापलाक्स ने किया था क्वेश्चन अक्सर पूछता है ध्वनि की चाल की खोज लापलाक्स ने किया था इसे भी जीरो से दिखाते हैं तो है। मेक का मतलब होता है ध्वनि की चाल से कितना तेज चल रहा है तो इसकी रफ्तार थ्री मैक है यानी ध्वनि की चाल से तीन गुना तो आप बताइए 330 का तीन गुना करेंगे तो 1000 से पार हो जाएगा यहाँ पर यानी 1000 1000 हो जाएगा ये 1000 मीटर पर सेकंड यानी ब्रह्मोस की चाल एक किलोमीटर पर सेकंड होती है एक सेकंड में एक किलोमीटर इतना खतरनाक है इसी को कहते हैं सुपर सोनिक सुपर सोनिक का मतलब होता है जो ध्वनि की चाल से तेज चलती है सुपर सोनिक मिसाइल है और ये क्रूज मिसाइल है देखिए क्रूज मिसाइल क्या होती है ये हवा में पहले जाती है और उसके बाद मूड जाती है इसे हम कहते हैं क्रूज मिसाइल क्रूज मिसाइल बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती हैं लेकिन इसका फायदा ये होता है कि ये 50 मीटर से नीचे रहती हैं जिस वजह से इसे दुश्मन का रडार पकड़ नहीं पाता है ये इतने कम ऊंचाई पर होती है इसलिए पेड़ वाली मिसाइल कहते हैं ट्री मिसाइल कहते हैं दुनिया के किसी भी लड़ाई में सबसे ज़्यादा काम आती हैं तो यही वाली मिसाइलें काम आती हैं दुश्मन को पुल तोड़ना ध्वस्त करना यह बहुत ज़्यादा जरूरी है जबकि बैलिस्टिक मिसाइल देखिएगा तो ये दूर तक मार करती है ये ससरी पहले अंतरिक्ष में जाती है यह अंतरिक्ष में गया उसके बाद लौट के आके मारती है जैसे भारत का अग्नि तो भैया इसका जरूरत ना बराबर है और जिस दिन इसकी ज़रूरत पड़ गई ना समझिए तृतीय विश्व युद्ध चालू हो गया तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट में हमें ब्लैस्टिक की तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्रूज की ही जरूरत पड़ेगी तो क्रूज मिसाइल के मामले में सबसे बेहतरीन है ब्रह्मोस रूस रूस और भारत ने बनाया और इसको फिलिपीन खरीद रहा है पूरी दुनिया का रूल है कि कोई भी देश अपने समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल मील तक ही वो किसी भी एरिया को वो दावा कर सकता है वहाँ पे समुद्र कोयला पानी पेट्रोलियम मछली को पकड़ सकता है लेकिन चाइना कहता है कि ना हम 200 नहीं सोच रहे हम 900 किलोमीटर तक कब्जा करेंगे उसका कहना है ना कि ये दक्षिणी चीन सागर सागर नहीं है जमीन है ये हमारा हिस्सा है बहुत साल पहले ही जमीन था सोच वहाँ बैल है इस नाइन डाइस लाइन कहता है इसको क्वेश्चन पूछेगा नाइन डाइस लाइन किस सागर में दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है अब यहाँ पे ना जो छोटे छोटे द्वीप है सब स्प्रेटले द्वीप और पैरासेल द्वीप इस पर बताइए अमूमन तो ये होना चाहिए इन सारे देशों का ये कहता नहीं उन मेरा है यहाँ पर इसलिए ये इन लोगों को धमकाते रहता है इसलिए फिलीपीन जो देश है ये इसकी राजधानी मनीला है मनीला जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मनीला में है इसका दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिंडनाओ है तो ये फिलीपीन जो है फिलीपीन कहा कि भैया हमको ये चाइना की नेवी चली जाती है इस नेवी को मारने के लिए सबसे तगड़ा मिसाइल की जरूरत है तो भारत से तीन हजार करोड़ रुपया में कितना में तीन हजार करोड़ रुपये में ये मिसाइल खरीद रहा है सोचिए तीन हजार करोड़ कितना बड़ा इनकम है हम लोग के पास यहाँ पे बेहतरीन तीन हजार करोड़ मिनटों में आ गया हम लोग के पास यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल लेगा और ये एंटी एंटीशिप वर्जन होगा चाइना चिल्लाने लगेगा अब चा, चाइना के डर से वियतनाम भी कर रहा है हमको भी चाहिए अब भारत वियतनाम को दे रहा है चाइना को दे रहा है तो इंडोनेशिया कर रहा हम कमजोर हो जाएंगे तो इंडोनेशिया करा हमको भी चाहिए तो बुरनई कर रहा हमको भी चाहिए यहाँ पे तो सिंगापुर करा हमको भी दे दे रहे भैया तो यहीं पे हम लोग करोड़ों रुपए कमा लेंगे इन्हीं देशों के पास में क्योंकि फिलिपीन के पास दूसरा कोई बचाने वाला है नहीं तो फिलिपीन लेने वाला है वियतनाम ले रहा है इंडोनेशिया मलेशिया ये तो कंफर्म है कि भारत से ये मिसाइल ले रहे हैं इससे हम लोग को करोड़ों का फायदा हो जाएगा इसके बाद अन्य देश भी इसको खरीदने के लिए इच्छा जताएंगे और इसके यही नहीं ये देखिए ये मिसाइल की सबसे बड़ी की खासियत क्या है कि ये मिसाइल सामने से फायर नहीं करती है पहले हम लोग इसे सामने से फायर करते थे इस टाइप की मिसाइलों में घाटा क्या होता है कि आपको जहाज का मुंह भी आगे ही रखना पड़ता है जैसे मान के चलिए उधर दुश्मन का जहाज है तो ऐसे मिसाइल बहुत थोड़ी आएगी आपको जहाज भी घुमाना पड़ेगा लेकिन भारत ने इसको इतना एडवांस बनाया है कि आगे अब रखने की जरूरत ही नहीं है इसमें वर्टिकल लॉन्च है पहले ऊपर चल जाएगा उसके बाद कहिए कि किन्ने मुड़ना है अब मान के चलिए नाइन्टी डिग्री चला गया अब किधरों मोड़ दीजिए उसको क्या फर्क पड़ता है लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो फिर पीछे तो नहीं मार सकता है एक कहीं भी रहेगा तीन डिग्री पर मार सकता है यही वाला खरीद रहा है पूरी दुनिया का सबसे तेज और ये क्रूज मिसाइल है बेहतरीन भारत के पास जो है वो तो स्टील से रेडारों में नहीं आएगा तो हम लोग का नेवल वर्जन तैयार है और एयरफोर्स वाला भी वर्जन तैयार है तो अगर वो नेवी का खरीदा है तो अगले दिन एयरफोर्स का भी खरीदेगा एयरफोर्स के अलावा जमीन पर भी मार करने वाला अवेलेबल है ये भी खरीदेगा वहाँ पे अब पानी के अंदर से बताइए तो मिसाइल कहाँ से आया है तो पानी के अंदर कोई पंडुबी होगी वही छोड़ी है यहाँ पे हमारे पास हर टाइप का ब्रह्मोस है तो भारत पहली बार बचपन में हम लोग देखते थे भारत खाली हथियार खरीद रहा है अब इतना खुशी होता है कि भारत हथियार अब बेच भी रहा है आसियान बेचने के बाद भारत का अगला टारगेट रहेगा ये ब्राजील और अर्जेंटीना में इसको बेचना ये अगर इसको बेचेंगे तो हम लोग के पास बहुत ज्यादा डिफेंस को बेच के फायदे हो जाएंगे देखिए आज वायुसेना ने भी अपना रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जो हमारे सीडीएस बिपिन एस सर का और तमिलनाडु के कुलनूर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया था इसका ब्लैक बॉक्स के सी जो भी जांच किया गया इसमें जो भी वॉइस को देखा गया इसके आधार पर बताया गया कि कोई सी भी प्रकार का मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियोर इसमें नहीं देखा गया था कारण बताया गया कि इसमें अचानक से घना कोहरा इतना तेज छा गया कि पायलट की विजुअलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई और पायलट की विजुअलिटी खत्म होने के बाद यह टकरा गए और एक कैजुअलिटी हुई हमने अपना एक महान योद्धा को खो दिया और एक स्टूडेंट क्या कह रहा था कि सर आप हम लोग के लिए आवाज़ उठाइए अरे यार, यार तुम्हें बोलना पड़ेगा कि स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाएं हम किस समय आपकी आवाज नहीं उठाएं जब भी आपके साथ कोई समस्या होगी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा आपके हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और जिस दिन खान सर आपके लिए आवाज नहीं उठाएं उस दिन समझ जाइए कि ऊपर वाले ने खान सर को उठा लिया हम लोग बहुत जल्दी इसको वेल तरीके से सारे टीचर्स के साथ हम भी सबको कॉल कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति है इसको कैसे सुधारा जाएगा सुधार के हम लोग लिया जाएगा आई होप आप अपना उम्मीद नहीं खोएंगे आगे फिर से जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी में लगे रहेंगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जय हिंद सो गाइस ये थी हमारी खान की। तो उन्होंने बताया कि आर्मी डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है आप सबको समझ में आया होगा कि 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है सो so, उन लोगों का जो न्यू यूनिफॉर्म बनाया गया है किस तरीके का है क्या क्या चेंजेस है और क्यों उस तरीके का बनाया गया है बहुत ही अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ है और हमारे इंडियन आर्मी आ, मतलब इसके साथ इसके साथ वो और भी इजिली अपना काम अच्छे से कर पाएंगे तो यस बहुत अच्छा लगा देख के और ये जान के और भी अच्छा लगा कि हमारी कंट्री अब अब दूसरों को बेच रहे हैं वो और भी एक बड़ी कामयाबी है हमारे हिंदुस्तान के लिए सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और बस मुझे सपोर्ट करते रहना ऐसे ही तो इस वीडियो के साथ मैं यहीं पर ही रुकती हूँ बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने होंगी तब तक के लिए नमस्कार बाय